hello everyone so in this video i am going to discuss and uh, two videos i am going to complete this 23rd may question paper of croc 2 so uh, because so many students want me to tell them the exact answers so here uh, it is our first question for 12 hours a wood cut cutter has been working outdoors in windy weather at the air temperature of 4 to 5 degrees celsius his shoes were compressing the distal parts of his feet. Now he complains of a pricking and burning pain in his toes 1 to 3 on both feet and pain in the interphalangeal joints and decreased skin sensitivity in toes 1 to 3. Examination detects slightly edematous toes, bluish skin, painful and reduced movements in the interphalangeal joints, slightly reduced skin sensitivity and retained pulsation of the arteries on the dorsum of the feet. What is the provisional diagnosis in this case? सो so, एक इस क्वेश्चन में बोला है कि क्या हुआ है उसको ठीक है तो उसकी जो पैर की जो उंगलियां हैं एक से तीन पहली तीन उंगलियां वो जो शूज के अंदर जो है वो कंप्रेस्ड रह गई क्योंकि उसके जूते थोड़े टाइट थे ये भी हो सकता है लेकिन आप यहाँ पे ये सॉरी राम का धर्म से हटकर आपको ये देखना है कि उसमें फाइंडिंग्स क्या मिली है उसने बताया है कि उसमें पल्सेशन तो है डोरसम ऑफ द फीट में पल्सेशन तो आ रही है एडिमेटे स्टोज है स्किन जो है वो ब्लूइश स्किन है ठीक है मतलब वहाँ पे ब्लूइश कलरेशन हो रखा है लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में आप देखो कि कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि वहाँ पर जो है ब्लिस्टर्स हो रखे हैं क्यों क्योंकि अगर ब्लिस्टर्स हो रखे होते ना तो वो सेकेंड डिग्री फ्रोस्ड बाइट हो जाता ठीक है लेकिन इसमें तो कोई ब्लिस्टर्स नहीं है इसमें सिर्फ स्किन कलर चेंजेस है तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट डिग्री जिसमें स्किन कलर चेंज हो जाता है जैसे इसमें बोला गया है ब्लूइश स्किन मिल रही है उसको ठीक है और पेनफुल है रिड्यूस्ड मूवमेंट हो रही है तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट डिग्री में दिखती हैं तो ये क्या होगा फर्स्ट डिग्री फ्रोस्ट बाइट सेकेंड डिग्री में क्या होता है ब्लिस्टर्स आने लग जाते हैं ठीक है और थर्ड डिग्री में जो है वो जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो हेमरेजिक हो जाते हैं और सारे के सारे पूरे एंटायर टिश्यू को इन्वॉल्व कर लेता है ये नहीं कहेगा कि सिर्फ डिजिटल पार्ट्स में टोज़ के वो हो रहा है नहीं ठीक है और इसमें अगर आपको अगर आपको क्वेश्चन uh, निकालना क्रश्च इन रोम तो हो नहीं सकता भाई ओबलीट्रेटिंग एंड आर्ट्राइटिस कब होता है ओब्लिट्रेटिंग एंड आर्टराइटिस अगर आप देखना पूरे क्रॉक के पेपर में ओबलीट्रेटिंग एंड आर्ट्राइटिस कहाँ कहाँ आंसर है ठीक है तो ज, जब मैंने क्रॉक किया था तो मैंने नोटिस किया था कि ओबलीट्रेटिंग एंड आर्ट्राइटिस वहीं उसी जगह आंसर होगा जहाँ पे जो है जो टोज़ या फिर फिंगर्स जो होती है ना एंड की उनमें अगर पल्सेशन नहीं होगी अगर पल्सेशन एबसेंट होगी लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पल्सेशन तो है आर्टरीज में इसका मतलब ओब्लीटरीटिंग एंड आर्टराइटिस तो हो ही नहीं सकता ओब्लीट मतलब कि ओब्लीट हो गई हैं एंड की आर्टरीज जो एंड आर्टरीज होती हैं वो बंद हो गई है ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उनमें वो कब आंसर होगा जब क्वेश्चन में टोज या फिंगर्स मेंशन किया गया होगा कि वहाँ पे पल्स सुनाई नहीं दे रही तो आंसर होगा ओब्लिटरेटिंग एंड आर्ट लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है फर्स्ट डिग्री फ्रोस्ट बाइट क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कितना था फोर टू फाइव डिग्री टेम्परेचर था ठीक है तो इसका आंसर है फर्स्ट डिग्री फ्रोस्ट बाइट और ये रिपीट क्वेश्चन था ठीक है अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन में तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है आप पूरी ऊपर से नीचे तक पढ़ो या फिर लास्ट की सबसे पहले क्या करते हैं अपन लास्ट की थोड़ी लाइन पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखते ही पहले ऑप्शन पढ़ो प्लूरेसी है एम है न्यूमोनिया है पेरिकार्डाइटिस है थ्रोम्बोइम्बोलाइज है पल्मोनरी आर्टरीज़ की ब्रांचेज में ठीक है अब ऊपर की फाइंडिंग्स पढ़ो इसी जी में क्या फाइंडिंग दिया है डीप एस वेव याद रखना ये जो क्लासिकल फाइंडिंग है ये डीप एस वेव इन लीड वन ए वी एल डीप क्यू वेव्स इन लीड थ्री एंड ए वी एफ एंड नेगेटिव टी वेव्स इन लीड थ्री इसको बोलते हैं एस वन क्यू थ्री टी थ्री तो जब भी आपको ई सी जी में फाइंडिंग मिले एस वन की क्यू थ्री की और टी थ्री की तो वहाँ पे मासिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है क्या होता है वहाँ पे मासिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म मान लो चलो किसी को ई सी जी फाइंडिंग्स याद नहीं है तो वो और कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है इस क्वेश्चन का आंसर तो आप क्वेश्चन पढ़ो एक हफ्ते पहले उसका क्या हुआ था सडनली पेन डेवलप हुआ था लेफ्ट हाफ ऑफ ओवर चेस्ट एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी उसके जब ऑब्जेक्टिवली फाइंडिंग्स क्या मिला उसके नेक वीन्स जो है जो सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है वो बढ़ा हुआ था उसका और वहाँ की वेंस डिस्टेंडेड थी पल्स कितनी थी वहाँ की हंड्रेड ब्लड प्रेशर वन हंड्रेड टेन बाई सेवेंटी है रेस्पिरेटरी रेट ट्वेंटी एट है लीवर चार सेंटीमीटर इन है लेफ्ट लोअर लेग एडिमीटस है मतलब एडिमा डेवलप हो रहा है वहाँ पे और पेनफुल एपालपेशन में ऑस्कल्टेशन में कैसा साउंड आ रहा है डल साउंड आ रहा है ठीक है बिलो द स्कैपुला तो अब इतनी सारी फाइंडिंग भाई अब देखो आप हमारा हर्ट जो होता है वो ऐसा होता है ठीक है oh. ऐसा ठीक है तो ये राइट एट्रियम है लेफ्ट वेंट्रिकल है लेफ्ट एट्रियम है और ये सॉरी ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ठीक है आर ए आर वी एल ए एल वी तो जो यहाँ पे हमारी क्या होती है यहाँ पर सुपेरियर वेनाकावा और इनफीरियर वेनाकावा ड्रेन करते हैं राइट एट्रियम में ब्लड तो जब हमारा राइट एटरी में ब्लड ओवरफ्लो हो जाता है ना तो क्या होता है सुपीरियर वैनक में भी ओवरफ्लो ब्लड हो जाता है ठीक है पीछे की तरफ ब्लड बढ़ने लग जाता है तो हमारी जो सुपीरियर वेना जो हमारी वेन होती है वो क्या होता है उसमें भी ब्लड का ओवरफ्लो हो जाता है ठीक है ओवरफ्लो हुआ बैक नीचे की तरफ भी ब्लड का ओवरफ्लो होगा तो लीवर में भी ब्लड ओवरफ्लो होगा उस साइड भी और पैरों में भी एडिमा डेवलप हो जाएगा तो ये सब कब होता है जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए कब होता है ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब कि जो यहाँ पे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और यहां से जो जो पल्मोनरी वेन है हमारे और जो पल्मोनरी आर्टरी है जो लंग्स की तरफ है वहाँ पे भी हमारा एडिमा डेवलप हो रहा है ठीक है इस वजह से तो लंग्स में भी क्या साउंड मिल रहा है लंग्स में कैसा साउंड मिल रहा है डल साउंड मतलब लंग्स में डल का साउंड आएगा जब वहाँ पर पानी होगा तो ठीक है तो यहाँ पर पानी डेवलप हो रहा है मतलब बैक फ्लो जा रहा है यार देखो तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा पलमोनरी एम्बोलिज्म हुआ होगा ठीक है पलमोनरी एम्बोलिज्म हुआ होगा क्योंकि उसके सडन डेवलप हुआ था ठीक है ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थ्रम्बो एम्बोलिज्म ऑफ पल्मोनरी आर्टरी ब्रांचेस और ये रिपीट क्वेश्चन था ठीक है ये पिछले क्रॉक के पेपर में भी आया हुआ है ठीक है अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या बोला है एक चाइल्ड है सफर कर रहा है फ्रीक्वेंट लॉन्ग लास्टिंग रेस्पिरेटरी डिजीज एंड पेनक्रिएटोजेनिक माल ऑब्जॉर्प्शन मतलब उसके माल ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है पेनक्रियाज से जो एंजाइम आ रहे हैं ऑब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है ठीक है सिस्टिक फाइब्रोसिस सस्पेक्ट किया जा रहा है तो हम कैसे कन्फर्म करेंगे तो आपको पता होना चाहिए सिस्टिक फाइब्रोसिस किसकी वजह से होता है सी जीन की म्यूटेशन की वजह से होता है और इसमें क्या होता है इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो हमारा सोडियम क्लोराइड चैनल जो होता है ना वो डिस वो वो उसका फंक्शन जो है डिसरप्टेड हो जाता है जब उसका फंक्शन डिसरप्ट होता है ना तो बच्चे की मम्मी क्या बोलते हैं कि जो इसका पसीना है ना वो नमक का पसीना आ रहा है इसकी बॉडी पे ठीक है तो इसका मतलब कि वहां तो इसका किस चीज का टेस्ट करते हैं इसमें हम टेस्ट करते हैं स्वेट क्लोराइड टेस्ट क्यों भाई क्योंकि जो पसीना होता है ना उसमें क्लोरिन का लेवल क्या होता है वो बढ़ा हुआ होता है ठीक है नॉर्मली हमारा पसीना जो है ना नमक का नहीं लगेगा लेकिन जो बच्चे जिसके सिस्टिक फाइब्रोसिस की दिक्कत होती है उसका जो बच्चा है उसकी मम्मी कहती है कि इसका पसीना नमक वाला है ठीक है तो इसलिए इसका आंसर किया जाएगा स्वेट क्लोराइड टेस्ट क्योंकि इसमें सो, uh, सोडियम क्लोराइड चैनल का डिसफंक्शन हो जाता है इस वजह से अब आ जाओ अगला क्वेश्चन इसमें क्या है हिस्ट्री दी हुई है एम की ब्रीफ अटैक ऑफ पाल्पिटेशन हो रहे हैं उसके लैक ऑफ एयर की सेंसेशन जो है उसमें दिक्कत आ रही है फियर है वटाइगो है ब्लड प्रेशर कितना है नाइन्टी बाई सिक्सटी मतलब ये शॉक की तरफ जा रहा है बंदा ठीक है ईसीजी में अटैक में क्या दिखा एक्सटेंडेड क्यू आर एस हमेशा याद रखो जब भी आपका एक्सटेंडेड क्यू आर एस इसका हाईलाइटेड पॉइंट है ये जब भी आपको क्वेश्चन में एक्सटेंडेड क्यू आर एस दिखे और आप सोचो भाई इसका आंसर क्या है पी वी टी है या पी एस वी टी है तो हमेशा याद रखना उसका आंसर क्या मिलेगा पी वी टी पैराजिज्मल वेंटिकुलर टेकी ठीक है क्योंकि उसमें जो पी एस वी टी होता है ना उसमें एक्सटेंडेड नहीं होता उसमें नैरो मिलता है क्या मिलता है उसमें लेकिन पीवीटी में क्या मिलता है आपका एक्सटेंडेड क्यू मिलता है ठीक है इसमें क्या मिलता है आपका एक्सटेंडेड क्यू मिलता है ठीक है और डिसोसिएशन होता है एट्री और वेंटिकुलर रिदम का ठीक है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा इसमें क्या पकड़ना है आपको क्योंकि बहुत सारे मैंने भाई मैंने भी अपना एग्ज़ाम दिया है तैयारी करके तो मैंने क्या चीज़ पकड़ी थी किस क्वेश्चन में क्या चीज़ पकड़ी थी और क्योंकि भाई आप एग्जाम के टाइम ये होता है ना कि आप कई बार अपने कंसेप्ट ना लगा नहीं पाते हो कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि ये था ये था यार मैंने तो ये लगाया था पेपर में पर मैं जब मैंने क्रॉक किया था तो ये आंसर लगाया हुआ था तो उसके लिए ना आपको क्या करना है कि कोई चीज़ पकड़ लो कि हाँ भाई ये चीज़ है और हर क्वेश्चन में जब भी ये आता है तो उसका आंसर ये होता है तो वैसे ही एक्सटेंडेड क्यू आर एस आता है तो हमेशा पीवीटी आंसर होता है ठीक है अब आ जाओ अगला क्वेश्चन इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है हाँ और एक और बात अगर आपको और भी मैंने कुछ न्यू क्वेश्चन जो है मेरे एग्जाम में जो आए थे वो मैंने कवर किए थे लेकिन उसके आप अगर चैट देखोगे ना तो चैट में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो मेरे से मिस हो गए थे उनके जो है कमेंट सेक्शन में दे रखे हैं कौन से क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन के जो हमारा ट्वेंटी जून से ट्वेंटी जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो न्यू क्वेश्चन थे वो चैट में भी मिलेंगे आपको ठीक है तो एक बार आप उनको भी देख लेना अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ क्योंकि ये मेरे पेपर में भी आया था और इसमें जो है इसमें क्या होता था, था एक माइनर में वो बारह बारह घंटे तक उसके नीचे दबा रहा ठीक है ऑब्जेक्टिवली उसके दोनों लेग्स और फीट जो है वो पेल हो चुकी थी कोई पल्सेशन नहीं थी उनमें पेरिफेरल कोई सेंसिटिविटी नहीं थी कोई पैसिव मूवमेंट्स नहीं थी जो इनमें ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड विद टोनिक्वेट्स अप्लाई टू बोथ लिम्स उसके दोनों पैरों पर बांध रखे थे ठीक है वट अर्जेंट तो हम अर्जेंटली क्या करेंगे भाई देखो वो बारह घंटे से दबा होता मतलब बारह घंटे उसके जो लेग्स है ना उसमें ब्लड फ्लो नहीं पहुँच पाया तो जब बारह घंटे का हो जाता है ना तो उसमें क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स वहाँ की कंप्लीट ब्लॉक हो गई अगर आप उनको एकदम से खुलोगे ना तो पेशेंट को डेंजर हो सकता है तो इसीलिए हम क्या करते हैं हम उसको हम टोर्निक्विड्स रिमूव नहीं करते हैं हम वहाँ से एम्पूटेट कर देते हैं लिम्स को ठीक है तो इसका याद रखना डू नॉट रिमूव द टोर्निक्विड्स एम्पूटेड द लिम्स अब द टोर्निक्विड्स ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखो इसमें पक्का क्वेश्चन में देख मैंने ऑप्शन पढ़े पक्का लगा इसमें न्यूमोथोरेक्स वगैरह दिया हुआ है तो पक्का उसके एक साइड में जो है कोई ब्रीदिंग पार्ट नहीं हो रहा हुआ है, एक साइड में तो अब क्वेश्चन में देखो सेवन ईयर ओल्ड बॉय आफ्टर अ फॉल फ्रॉम अ हाइट प्रेजेंट्स विद रैपिड एंड श्वेलो ब्रीदिंग एंड साइनोटिक फेस उसका फेस कैसा है साइनोटिक है जल्दी जल्दी सांस ले लाए हल्का हल्का ठीक है राइट हाफ ऑफ इस नो पार्ट इन द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग उसका राइट right हैंड राइट right साइड वाला जो चेस्ट है वो ब्रीदिंग में कोई पार्ट ही नहीं ले रहा भाई यहीं पे मेरे को थोड़ा थोड़ा लग गया भाई ये जो है निमो टेंशन नीमोथेरेक्स या नीमोथेरेक्स का केस हो सकता है प्रकर्षन में क्या दिखाई दे रहा है टिम्पेनाइटिस वही ऑस्कल्टेशन में कोई ब्रीदिंग नहीं आ रही है तो व्हाट पैथोलॉजी मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और क्या इंस्ट्रूमेंटल एग्जामिनेशन हम करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा राइट साइडेड टेंशन न्यूमोथोर और हम उसका एक्सरे कभी भी हम तभी तो एक्सरे की फाइंडिंग देखते हैं ना भाई इसके निमोनिया अच्छा नहीं इसके निमोनिया इसके पिलोरेसी लग रही है क्यों क्योंकि वो एक्सरे में आपको ईजिल दिख जाता है ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या है इसके निमोथोरेक्स पिलोरेसी है या फिर निमोनिया है या फिर टी है तो इसलिए हम क्या करेंगे उसका एक्सरे करेंगे और इसके क्या थी इसके राइट साइड टेंशन निमोथोरेक्स था क्योंकि इसके अचानक हुआ था ठीक है जैसे ही वो ऊपर से नीचे गिरा अब आ जाओ अगला क्वेश्चन फॉर द लास्ट थ्री मंथस लास्ट के तीन महीने से एक सिक्सटी एट ईयर ओल्ड वूमेन सफर फ्रॉम पेन अटैक्स इन द हर्ट दैट लास्ट फॉर टेन मिनट्स जो दस मिनट के लिए आ रहे हैं जो पेन अटैक्स हैं वो रिस्पॉन्स टू द स्लाइटेस्ट फिजिकल एग्जर्शन वो हल्की सी भी फिजिकल एक्जर्शन होता है उसको तुरंत उसको पेन आने लग जाता है भाई तो इसका मतलब भाई थोड़ा थोड़ा एंजाइना पैक्टोरिस या फिर उसकी तरफ लग रहा है भाई पर अब देखो आगे क्या बोला है शी डज़ नॉट टेक नाइट्रोग्लिसरीन लेकिन उसने नाइट्रोग्लिसरीन तो ली नहीं इसका मतलब कि हम हमारा एक क्वेश्चन आता था पिछले क्रोक में जिसमें हम कहते थे कि उसने नाइट्रोग्लीसरीन लिया और उसको कोई रिलीव नहीं मिला उस क्वेश्चन का आंसर अनस्टेबल एंजाइना होता था क्यों क्योंकि उसको नाइट्रोग्लिसरीन लेने के बाद भी उसके फर्क नहीं पड़ता था लेकिन इसमें कह रहे हैं कि उसको नाइट्रोग्लिसरीन हम दे ही नहीं सकते क्योंकि नाइट्रोगसरीन देते हैं उसके सीवियर हेड होता था तो यहाँ पर हमने चेक नहीं किया है कि उसके नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद ठीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है ठीक है तो इसमें हम अनस्टेबल एंजाइना का नहीं कंक्लूजन बना सकते अब अगला है शी वॉज रिपीटेडली ट्रीटेड फॉर स्टेमिक हार्ट डिजीज एंड हैड अ मायोकार्डियल इन्फैक्शन उसका हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट चल रहा था और एम का ट्रीटमेंट चल रहा था ब्लड प्रेशर जो है वो वन सिक्सटी बाई एट्टी है मतलब बढ़ा हुआ है ठीक है चेंजेस इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब कि उसकी पोस्टीरियर वॉल जो है लेफ्ट वेंट्रिकल की वहां पर जो है वो चेंजेस दिखा रहा है और ऑस्कल्टेशन में क्या साउंड आ रहा है ऑस्कल्टेशन में सिस्टोलिक मरमर का साउंड आ रहा है ओवर द उल्टा तो आप इसका क्या लगाओगे ठीक है तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसका आंसर हो जाएगा स्टेबल एक्जर्शनल एंजाइनापैक्टोरिस क्लास फोर्थ कौन से टाइप की क्लास फोर्थ ठीक है क्यों क्यों भाई हमने क्लास uh, फोर्थ क्यों मारा है क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि इसका जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है ठीक है ब्लड प्रेशर इसका वन सिक्सटी बाई एटी है और सिस्टोलिक मरमर भी सुनाई दे रहा है अल्टा की तरफ तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टेबल एक्जर्शनल एंजाइना पैक्टोरिस ठीक है तो अब ये हो गया क्यों क्योंकि इसमें स्टेबल एंजाइना में, में क्या होता है चेस्ट पेन होता है ठीक है जो कि अगर ये इमोशनली भी स्ट्रेस करे या थोड़ी सी भी एक्टिविटी करे तभी इसके दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इसकी कोरोनरी आर्टरीज में दिक्कत है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेबल एक्जर्शनल एंजाइना पैक्टोरिस क्लास फोर्थ है याद रखना इसकी क्लास कौन सी है क्लास फोर्थ है ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेगनेंट वूमेन है एक क्या है एक प्रेगनेंट वूमेन है ठीक है कितने हफ्ते किया वो थर्टी एट वीक्स किया और हाँ और एक और चीज़ यहाँ पे जो क्लास फोर्थ है ना वो इस वजह से भी था क्योंकि उसके एट रेस्ट पे भी क्या था उसके आ, एक्जर्शन हो रहा था कि वो स्लाइटली फिजिकल एग्जर्शन थोड़ा सा भी करती थोड़ा सा भी चलती फिरती उसी में उसके हो रहा था तो इस वजह से उसका क्लास फोर्थ बन रहा था ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन Uh, इसमें है एक थर्टी एट वीक्स की प्रेगनेंसी है वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इन टू द मेटनिटी हॉस्पिटल विद कम्प्लेन्ट्स ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द जिनाइटल ट्रैक्ट्स उसके स्मॉल अमाउंट ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है जिनाइटल ट्रैक्ट से शार्प पेन हो रहा है उसके पूरे में इन हर एंटायर अबडोमन दैट स्टार्टेड वन आर जो एक घंटा पहले स्टार्ट हुआ था कोई लेबर एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई है ऑब्जेक्टिवली द पेशेंट इज पेल पेशेंट क्या है पेल है उसकी पल्स रेट कितनी है हंड्रेड बाय पर मिनट हर ब्लड प्रेशर कितना है हंड्रेड बाय सी कोई फिटल हार्ट बीट नहीं है ठीक है पालपेशन डिटेक्ट स्टेंस एंड पेनफुल यूटरस मेक द डायग्नोसिस ठीक है अब बच्चे इस, इसके आंसर में क्या कन्फ्यूजन था कोई बच्चा कह रहा था इसके यूटराइन रप्चर हो गया कोई कह रहा था इसके प्लेसेंटल अब्रप्शन है कोई कह रहा था इसके प्लेसेंटल हाँ और इंट्रानेटल फिटल डेथ का तो सवाल ही नहीं था इसका प्लेसेंटल अब्रप्शन और यूटराइन रप्चर के बीच में आंसर्स में कन्फ्यूजन थी ठीक है अब आप देखो जब यूट्राइन रप्चर होता है ना तो उसके यूटराइन रप्चर होने के बाद ना हम यूटरस को पालपेट नहीं कर सकते ठीक है कोई पालपेशन नहीं दिखती लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साफ साफ पालपेशन डिटेक्ट टेंस एंड पेनफुल यूट्रस भाई अगर यूट्राइन रप्चर इसका आंसर होता तो ये पालपेशन डिटेक्ट नहीं होती लेकिन यहाँ पे पालपेशन डिटेक्ट हो रही है इसका मतलब इसका यूट्राइन रप्चर आंसर नहीं है अब देखो प्लेसेंटल अब्रप्शन क्यों मारा भाई हमने आंसर प्लेसेंटल अब्रप्शन में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है ना वो अपनी जगह से हट जाता है ठीक है स्लाइटली मूव कर जाता है हट जाता है तो क्या होता है जैसे ही प्लेसेंटा अपनी जगह से हटेगा तो वहाँ से थोड़ी ब्लीडिंग आ जाती है ठीक है तो अब देखो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है हाँ भाई हो रहा है ठीक है और इसी वजह से उसके पेन हो रहा है लेकिन कोई लेबर एक्टिविटी नहीं है प्लेसेंटा उस जगह से हटा है इस वजह से हो रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लेसेंटा अब्रप्शन इसका आंसर ये है प्लेसेंटा अब्रप्शन ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे थर्टी वन ईयर ओल्ड वुमेन केम टू अ गाइनिकोलॉजिस्ट विथ कंप्लेन्ट्स ऑफ अ मैंस्युरेशन डिले ऑफ टू वीक्स मॉर्निंग सिकनेस एंड स्मियरिंग ब्लडी डिस्चार्ज मॉर्निंग सिकनेस है उसके ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है वेजाइना से प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट नो फर्टाइल एग इन द यूट्राइन कैविटी इन दिस केस पेशेंट मस्ट भी रेफर टू द फॉलोइंग स्टडी ठीक है अब देखो इसका आंसर बच्चे क्या मारे हैं एच सी जी लेवल इन ब्लड ठीक है blood, भाई डायनामिक्स मारो क्यों क्योंकि चेंजेस पता लगाने हैं ना क्या चेंज हो रहा है एच सी जी में एच सी जी में जो चेंजेस होंगे वही तो हमें बताएगा कि क्या है क्यों क्योंकि हम ऐसे करते हैं भाई एक होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी ठीक है तो इसमें क्या होता है कि अगर एच सी जी का लेवल जो है टू टाइम्स डबल हो जाए तो वो उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि वो एक्टोपिक है या नॉर्मल है अगर टू टाइम्स उसका डबल नहीं हुआ है या फिर उसके बीच में ही है तो वो एक्टोपिक हो जाती है अगर डबल हो गया है तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी कहलाती है तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा डायनामिक्स ऑफ एच लेवल्स इन ब्लड ठीक है अब अगला क्वेश्चन आ जाओ इसमें तो वही है सेम ये तो पता ही है जहाँ भी ये तो रिपीट क्वेश्चन है चिलोसिस वगैरह दिया हुआ है जब भी चिलोसिस हो मतलब लिप्स के साइड में चिलोसिस है ठीक है लिप्स पे और फिर लिप्स ब्राइट रेड के हैं आइसोलेटेड वर्टिकल फीचर्स है रेड ब्राउन स्केप्स है कोस बाई इन्सफिशेंट इन टेक ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंस विद फूड तो वो फूड के साथ क्या खा रहे है? भाई वो राइबो है इसका आंसर क्या हो जाएगा राइबो फ्लेविन. इसका विटामिन बी ठीक है और एक क्वेश्चन आता है टीबी में टीबी के लिए कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन बी सिक्स के ठीक है याद रखना अब आ जाओ अगला क्वेश्चन इलेवेंथ थर्टी सिक्स ईयर ओल्ड वुमन कंप्लेन ऑफ पेन इन हर जॉइंट्स उसके जॉइंट्स में पेन है मसल्स में पेन है लॉस ऑफ हेपेटाइट है कॉन्स्टिपेशन है रैपिड फेटिकबिलिटी है सब फेब्राइल बॉडी टेम्परेचर है उसका ऑब्जेक्टिवली सी हैज डिस्फेजिया सिमेट्रिकल अर्थराइटिस है उसके जो अर्थराइटिस है उसके जो जॉइंट्स में पेन है वो दोनों साइड के इक्वल में पेन है स्किन थिकनिंग है हैंड्स पे फिट्स में एट्रोफी है स्मॉल अल्सर्स हैं फिंगर टिप्स पे रेनोट सिंड्रोम है टिलंजैक्टिस है तो कौन सी डिजीज है ठीक है अब देखो इतनी सारी चीज़ें पड़ी इसमें क्या लग रहा है इसमें मेरे को लग रहा है क्रेस्ट सिंड्रोम ठीक है कौन सा लग रहा है क्रेस्ट सिंड्रोम तो क्रेस्ट सिंड्रोम में क्या होता है कैल्सिनोसिस होता है रेनोट सिंड्रोम दिखता है इसोफेगल की डिसमोटेलिटी हो जाती है ये सब चलता है कैल्शि कैल्सिनोसिस भी होता है तो अब देखो इसमें अर्थराइटिस है है भाई रेनोट सिंड्रोम है? है भाई टिलनजैक्टिसिया है भाई ठीक है और क्या आ, अर्थराइटिस वगैरह भी है स्किन की थिकनिंग भी हो रखी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिस्टमिक स्क्लेरोडर्मा तो जब भी सिस्टमिक स्क्लेरोडर्मा होता है ना तो क्रेस्ट सिंड्रोम के सारे मतलब ये क्रेस्ट जो है ये निमोनिक है उसके ठीक है तो क्रेस्ट के सारे फीचर्स दिखते हैं कैल्सिनोसिस रेनोसिस और डिसमोटेबिलिटी स्किन थिकनिंग वगैरह तो ये सब फीचर्स मिलते हैं ऐसे स्किन थिकनिंग होती है ठीक है तो इसमें स्किन थिकनिंग भी थी तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टमिक स्क्लेरोडर्मा। अगला क्वेश्चन देखो अ फोर्टी फाइव ईयर ओल्ड मैन केम टू अ डॉक्टर कम्प्लेनिंग ऑफ अ सोर थ्रोट एंड अ फीवर दैट लास्ट फॉर टेन डेज टेन डेज मतलब दस दिन से उसके फीवर है और सोर थ्रोट है ठीक है पेशेंट हिस्ट्री है अल्टरनेटिव कोलाइटिस की स्मोकर भी है वो एक पैकेट सिगरेट का डेली पी जाता है दस साल से पी रहा है वो उसका पिता जो है वो कैंसर से मरे थे लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर से पचास साल की उम्र पे जब फिजिकल एग्जामिनेशन करा बॉडी टेम्परेचर थर्टी एट पॉइंट सिक्स था ब्लड प्रेशर वन थर्टी बाई एट्टी था पल्स रेट सेवेंटी टू थी रेस्पिरेटरी रेट एटीन था एग्जामिनेशन ऑफ औरल कैविटी औरल कैविटी का जब एग्जामिन किया तो उसमें मिला एर्दीमेटस फेरिंग्स मतलब कि जो फेरिंग्स है वो रेड हो रखा था एंड एक्जुडेट इन द टसिलर जो टॉन्स क्रिप्स हैं उनमें पस थी थोड़ी सी एंटीजन टेस्ट किया तो ग्रुप ए एस्टाप्टोकोकस के लिए क्या मिला पॉजिटिव मिला ठीक है तो हम क्या प्रोसीजर करेंगे जिससे हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कर सके कैंसर से तो कैंसर से भाई इसके क्या होता है इसके इन्फेक्शन हो चुका है इसके सोर्थ थ्रोट मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है इसके अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए कोलाइटिस कोलोन में ही होता है तो कोलोन की अगर हम बायोप्सी ले लें उसी से तो पता चल जाएगा भाई कैंसर जो है प्रोग्रेस में है या नहीं है या फिर कैंसर कैसा है ठीक है कैंसर है भी या नहीं या सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस तक ही लिमिट है ठीक है क्योंकि ठीक है तो इसके लिए हम बायोप्सी ले लेंगे उसके कोलोन की तो इस वजह से कोलोनोस्कोपी करेंगे हम क्या करेंगे कोलोनोस्कोपी ठीक है अब ये ट्वेल्थ क्वेश्चन मैंने कर लिया है इसके बाद वाले मैं अगले पार्ट में डाल रही हूँ तब तक के लिए बाय बाय गैस क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस बन जाती है तो उसको डलने में ही तीन दिन लगते हैं इस वजह से मेरे वीडियो